हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की मेरी जो वीडियो है वो है कैसे फ्लावर प्लांट के को लेकर, जो बारह महीने हमारे साथ हमारे गार्डन में बना रहता है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, पर उस पर प्लांट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रेंज में आने वाला प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार। सदाबहार का एक ऐसा प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही आसान होता है अपने गार्डन में ग्रो करना, और एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। उस वो सदाबहार का जो प्लांट है बहुत से कलर में आने लग गया है, अब हाइब्रिड और देसी। पहले इसके दो देसी कलर थे, अब जो है हाइब्रिड कलर में बहुत से ज़्यादा कलर में आने लगा है सदाबहार का प्लांट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सदाबहार का प्लांट जो है वाइट कलर में इस पर जो है गुच्छों में ऐसे फूल आते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में इस पर फ्लावरिंग होती है। मैं इसको जो है अपने भैया के यहाँ से एक प्लांट लेकर आई थी, और एक पिंक कलर में लेकर आई थी, जो देसी वैरायटी होती है, यानी कि दोनों में लेकर आई थी। तो बरसात में मेरा पिंक वाला तो देखिए ख़राब हो चुका था, क्योंकि अब की बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, और इनके जो बीज डल गए हैं तो वो उनके बीज से ही ये डला हुआ है। ये मेरे गुलाब के प्लांट में देखिए, गुलाब के प्लांट में जो है ये यहाँ पर इसमें जमा हुआ है, प्लांट में इसका बीज डल गया होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी इसके बीज डल जाते हैं वहीं पर ये जर्मिनेट हो जाता है, और गुच्छों में भर भर कर फूल इस पर आते हैं। जितने फूल इस पर आते हैं अपनी लीव से भी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होती है प्लांट पर। पर फ्रेंड्स देखिए, जहाँ जहाँ पर भी आप मेरे पोर्ट पर ध्यान दोगे वहीं पर ही सदाबहार के प्लांट बनकर मेरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। सभी सदाबहार के ही प्लांट हैं, और भी मैं आपको पोर्ट में दिखाऊंगी कैसे मेरे यहाँ पर गार्डन में जो है सदाबहार के ही प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको अलग से ही मैंने इन दोनों ये एक ये प्लांट खुद ही जर्मिनेट हुआ हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया था सदाबहार के प्लांट को। और यहाँ पर देखिए कितने प्लांट इसके बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे गार्डन में, जहाँ भी इसके बीज डल जाते हैं। मैंने कोई भी एक भी बीज इसका जर्मिनेट होने के लिए नहीं डाला, खुद ही जड़कर इसके बीज जमे हुए हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो हाइब्रिड अब की बार यहाँ पर फ्लावरिंग देने वाले प्लांट आए हैं, जो इस पर पिंक, रेड, क्रीम कलर जो सब आता है उन पर। तो ये मैंने जो यहाँ पर देखे दो कटिंग लगाई हुई है मैंने यहाँ पर, ये कटिंग से मैंने प्लांट तैयार किए हैं। ये भी मेरी प्लांट की कटिंग लगी हुई है। ये यहाँ पर डार्क पिंक कलर का जो होता है वो है, और ये जो है शेड रेड कलर में है ये वाला। और देखिए इसका जो फूल है ये भी झड़कर नीचे, ये वाला कलर इसका है, तो आप देख सकते हो पिंक कलर। तो ये कल इस पर फ्लावरिंग हो रही थी, तो आज इस कटिंग पर फ्लावरिंग नहीं हुई, तो देखिए फूल खिलने के लिए तैयार है, तो कल खिलेंगे इस पर फूल। तो हम सदाबहार के प्लांट को जो है कली से भी कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। सदाबहार के प्लांट की जो है आप छोटी से छोटी कटिंग लेकर भी लगा दोगे तो भी ये आराम से ग्रो हो जाएगा, और जब ये बड़ा प्लांट बन जाता है तो खुद ही हमारे यहाँ पर जगह जगह हमारे पोट में जर्मिनेट होता रहता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट पकते हैं, पकने के बाद जो है हमारे पोट में ही झड़ने लगते हैं, और बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता, बहुत ही बिना केयर के ही ये हमारे यहाँ पर जर्मिनेट होता रहता है। बिल्कुल भी कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र कुछ भी ना दे तो भी हमारे गार्डन में बहुत ही आसान तरीके से चल जाता है। आप इसका एक प्लांट लेकर आओगे और सैकड़ों प्लांट आपके गार्डन में इसके बन जाएंगे। और आप इसको जो है नर्सरी से भी परचेज़ करोगे तो 10 से 20 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएंगे, हाइब्रिड भी और देसी भी। तो आप इनको जो है नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से भी लेकर अपने गार्डन में लगा सकते हो। और हमारे घर में जो है एक ही मेडिसिन प्लांट भी होता है फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स होती हैं सदाबहार के प्लांट की, तो ये मेडिसिन के रूप में भी काम आती हैं, और जो इसके फ्लावर होते हैं वो भी काम आते हैं। और हमारे घर में जो है इसको लगाना भी फ्रेंड्स शुभ माना जाता है, कि ये हमारे घर में जो है बरकत लेकर आता है सदाबहार का प्लांट। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। वैसे तो फ्रेंड्स ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पार्किंग एरिया में या कहीं पर भी ये जो है अपने इसके जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट होते ही रहते हैं फ्रेंड्स।
तो आप इसको जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। एक ही प्लांट लेकर आए और एक ही प्लांट से जो है बहुत से प्लांट ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके ऐसे बीज बनते हैं, जब ये फली पक जाती है तो यहाँ बीज से फटकर जो है इसके अंदर बीज बनकर तैयार हो जाते हैं और ये फिर जो है हमारी पोट में झड़कर इसके बीज यहाँ पर डल जाते हैं। जो आसपास सभी गमले रखे हुए रहते हैं तो सभी गमलों में इधर उधर उधर सारे में जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सदाबहार के प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें परमानेंट फ्लावरिंग के लिए। अलग अलग कलर में आप इसका कॉम्बिनेशन करके भी लगाओगे तो भी बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट सदाबहार का। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो सदाबहार के प्लांट को लेकर। आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।